हेलो दोस्तों, मैं दीपक, आप अपने चैनल लोगों पर लाइफ में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब एक असिस्टेंट नए असिस्टेंट लोगों पर की जब न्यू ज्वाइनिंग होती है और उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसको उसके बाद कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या इंसेंटिव रहता है, क्या क्या कितनी बेसिक रहती है उसमें, और उसके अलावा उसको क्या क्या भत्ता मिलता है, ये सब जानकारी दूँगा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक असिस्टेंट लोगों पर की सैलरी स्लिप है जिसमें उसकी बेसिक जो रहती है 19,900 रुपये रहती है, और साथ में उसको जो DRS अलाउंस जो एट प्रेजेंट जो चलता है, जो हर साल जो महंगाई भत्ता बढ़ता है कभी किसी हर 6 महीने में 3% 4%, तो जैसे जैसे बढ़ता है तो आपका DRS अलाउंस भी बढ़ता है। इसमें एक हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है कि आप किस सिटी में रहते हैं, कि जैसे कि XYZ 3 कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है, तो एक्स सिटी में 24%, वाई सिटी में 16% और जेड सिटी में 8%। तो जो भी आपका जितना जिस भी सिटी में रहते हैं आप, तो उसके हिसाब से आपको आपके बेसिक का 8% 16% 24% जो है हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। इसमें आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो किलोमीटर अलाउंस है, जो कि एक असिस्टेंट लोको पायलट को पर किलोमीटर पे 3.76 रुपीज़ मिलता है। किलोमीटर अलाउंस का मतलब है कि आपने एक महीने में कितना गाड़ी काम किया है, यानी कितने किलोमीटर आपने गाड़ी चलाई है, तो उस हिसाब से आपको उसका जो टोटल रहता है पर किलोमीटर के हिसाब से 3.76 वो मिलता है आपको हर महीने। और एक साल अलाउंस जो है हर मंथ आपको 45 रुपीज़ मिलता है। और नाइट ड्यूटी अलाउंस, जो आपने नाइट में जितना भी ड्यूटी किया है आपने, उसका एक यूनिट तय होता है, तो उस हिसाब से आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस का भी कुछ पैसा मिलता है। तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि एक असिस्टेंट लोगों की ट्रेनिंग कैसे कैसे होती है, उसको ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है, उसको क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, कितने महीने की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम होता है या नहीं होता, उसको पास करना कंपलसरी है कि नहीं है, आप अगर फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, इन सब की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी। धन्यवाद।